दोस्तों, अगर आप अपना फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस भूल गए और ऐसे में आपको कहीं भी जरूरत पड़ता है अपने ड्राइविंग लाइसेंस का, तो किस तरीके से आप ऑनलाइन अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हो डिजी लॉकर के थ्रू, इस वीडियो में हम जानेंगे। डिजी लॉकर से आप अपना 10th 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब भी सारा डॉक्यूमेंट आप इशू कर सकते हो। और ये डॉक्यूमेंट पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ही तरह वैलिड होता है, आप इसे कहीं भी ऑनलाइन और ऑफलाइन यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में हम जानते हैं कैसे आप डिजी लॉकर से अपना ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर सकते हो। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला, तो वीडियो में आपको बने रहना है पूरे लास्ट तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से डिजी लॉकर एप्लीकेशन को अपने फोन में आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद डिजी लॉकर एप्लीकेशन को आप किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज कर लेना है। लैंग्वेज चूज करने के बाद आपको कंटिन्यू पे टैप करना है। यहाँ पर जैसे कि आपके डिजी लॉकर में जितना भी डॉक्यूमेंट होता है वो पूरी तरीके से सिक्योर होता है, और ये सारा डॉक्यूमेंट आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट के ही तरह वर्क करता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अगेन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। डिजी लॉकर में जितना भी आपका डॉक्यूमेंट होगा आप कहीं भी इसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारा डिटेल्स पढ़कर आपको लेट्स गो वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब उसके बाद डिजी लॉकर एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको एक अपना अकाउंट बनाना है। इसके लिए सिंपली आपको बॉटम में गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर सिंपली आपको साइन इन पे टैप करना है। अपना आईडी और पासवर्ड फिल करके आपको साइन इन कर लेना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे टैप करना है और अपना डिटेल्स फिल करके सिंपली यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बना लेना है। डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाने का प्रोसेस काफी सिंपल है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक मैं पिन कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने डिजी लॉकर पे पहले से ही अकाउंट बना रखा है तो सिंपली यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या फिर यूजर नेम आधार के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली मैं डिजी लॉकर पे लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वन टाइम वेरिफिकेशन कोड आएगा। सिंपली आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड फिल करना है। फिर उसके बाद जैसा कैप्चा दिया गया है बिल्कुल वही कैप्चा आपको फिल करना है। कैप्चा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे ट्राई अनदर पे टैप करके कैप्चा को रिफ्रेश कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे कैप्चा फिल करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन फिल करना है। अकाउंट बनाते टाइम यहाँ पर आपने 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन बनाया होगा। सिंपली आपको यहाँ पे वही पिन नंबर फिल करना है। पिन फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो अब उसके बाद आप डिजी लॉकर एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाओगे। सिंपली यहाँ से जो भी परमिशंस आपसे मांगा जाए यहाँ पर आपको अलाउ करना है। डिजी लॉकर पे आप काफी सारा यहाँ से डॉक्यूमेंट वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अपना क्लास 10th 12th का मार्कशीट वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे वो पूरी तरीके से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ही तरह वैलिड होता है, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको बॉटम में सर्च वाले ऑप्शन में आ जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से डाउनलोड करना है सिंपली आपको यहाँ पे सर्च में आ जाना है और यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस लिखकर सर्च करना है। ड्राइविंग लाइसेंस आप जैसे ही लिखोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारा ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। स्टेट वाइज ऑल स्टेट्स का भी यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है। फिर उसके बाद बाय डिफॉल्ट डिजी लॉकर पे जो भी आपका डिटेल्स रजिस्टर्ड होगा यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर फिल करना है। ये डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। फिर उसके बाद आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो सर्वर से फेच होने लगेगा। सर्वर से फेच होने के बाद अब यहाँ पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आप देख सकते हो। इस ड्राइविंग लाइसेंस में आपका नाम और लाइसेंस नंबर, कब ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया गया है, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। ये ड्राइविंग लाइसेंस को आप कहीं भी यूज कर सकते हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह। तो इस ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको बैक आना है। डिजी लॉकर पे आप जो भी डॉक्यूमेंट इशू करते हो आपको यहाँ पे इशूड वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट इशू करके रखा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करना है तो ड्राइविंग लाइसेंस के बगल में आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आप अलग अलग फॉर्मेट में ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर व्यू पीडीएफ वाले ऑप्शन में आ जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे टैप करना है। फिर आपके फोन के डिवाइस में ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा। इस ड्राइविंग लाइसेंस को आप प्रिंट आउट निकाल करके कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन यूज कर सकते हो। तो इस इजी तरीके से आप डिजी लॉकर के थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो कहीं भी। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।